नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण का रोल काफी अहम माना जाता है। यहां तक कि जाति आधारित पार्टी समाजवादी एवं बसपा ने अपने कैडर वोट बैंक के सहारे कई बार सत्ता हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने यादव और मुस्लिम समीकरण से सियासत साधी तो बसपा ने दलित वोटरों को अपना आधार बनाकर लखनऊ की गद्दी पर कई बार राज किया, लेकिन सूबे में 12% मछुआरों को कोई नेता नहीं मिल पाया था, जिसकी खोज डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाकर पूरी की। संजय निषाद ने न सिर्फ निषादों के हक की लड़ाई शुरू की, बल्कि निषादों को सत्ता के करीब भी पहुंचाया। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने सपा बसपा के समर्थन से पहली बार लोकसभा में जगह बनाई, लेकिन दिल्ली से अच्छे रिश्ते बनाने की खातिर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सहयोगी बनना स्वीकार किया और अपने मछुआरा समाज को विश्वास दिलाया कि सत्ता के साथ रहकर वह उनका हक दिलाने में सफलता हासिल करेंगे, जिसके लिए अब निषाद पार्टी ने पुरजोर कोशिश भी शुरू कर दी है। बीते दिनों संजय निषाद ने सांसद बेटे प्रवीण निषाद के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात कर पुराना वादा याद दिलाया और निषाद समाज का हक भी मांगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यही मौका है जब निषाद पार्टी बीजेपी से अपना हक ले सकती है। प्रदेश की करीब 140 सीटों पर मल्लाह वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, जहां वह सीधे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी निषाद पार्टी को कतई नाराज नहीं करना चाहेगी, तभी तो आने वाले समय में बीजेपी संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद को कई अहम जिम्मेदारी सौंपने भी जा रही है। निषाद पार्टी के रणनीतिकार महेंद्र निषाद बताते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रवीण निषाद को मछुआरा समाज के कार्यकर्ताओं को विधानसभा टिकट दिलाने में प्रमुख भूमिका वो निभाएंगे, जिसमें उनके पिता एवं निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद उनका मार्गदर्शन करते नजर आएंगे। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात में यह बात लगभग तय भी हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, जिसके बाद यह देखने को निश्चित मिलेगा कि पहले के मुकाबले 2022 के चुनाव में निषाद जाति के प्रत्याशियों की संख्या अच्छी खासी होगी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संजय निषाद एवं प्रवीण निषाद की मुलाकात के बारे में महेंद्र निषाद कहते हैं कि देश के श्रेष्ठ पंच के मुखिया के साथ देश के सबसे उपेक्षित समाज के मुखिया का बैठना सामाजिक समरसता एकात्म मानववाद के सैद्धांतिक अनुपालन का जीता जागता उदाहरण है। महेंद्र निषाद आगे कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद मछुआरा समाज के पहले राजनैतिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मछुआरों के हक की लड़ाई को दिल्ली तक पहुँचाया है। उनमें काशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों की झलक देखने को मिलती है, जो अपने अपने समाज के मुद्दों को शक्तिशाली सत्ता के समक्ष सहजता से रखने में सफल साबित हुए हैं। महेंद्र निषाद कहते हैं कि लेने का मार्ग बाबा साहेब ने 1950 में संविधान में लिख दिया था, लेकिन लेना ही है ऐसा जज्बा काशीराम जी ने 80 के दशक में दिखाया और 90 के दशक में लक्ष्य को प्राप्त भी किया। इसी प्रकार संजय निषाद को विश्वास है कि वह भी मछुआरा समाज का हक लेकर ही रहेंगे, जिसकी परछाई उनके व्यक्तित्व में नजर आती है। महेंद्र निषाद कहते हैं कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि संजय निषाद की अगुवाई में मछुआरा समाज को उसका हक मिल जाएगा। निषाद के अच्छे दिन अगर कोई ला सकता है तो वह डॉक्टर संजय निषाद ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।